स्मार्ट सिटी अजमेर के वार्ड नंबर 68 के लोग गंदा और बदबूदार पानी पीने को है मजबूर। पिछले एक साल से जलदाय विभाग कर रहा है दूषित और बदबूदार पानी की सप्लाई। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूं। दोस्तों, 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना यह संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। वार्ड नंबर 68 के अंतर्गत बापूनगर, सुंदरविलास और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने आज पिछले एक साल से पेयजल समस्या से त्रस्त होने के बाद वार्ड पार्षद अनीता चौरसिया और उनके पति मनीष चौरसिया को अपनी व्यथा सुनाई। मौके पर पहुंचे पार्षद अनीता चौरसिया और उनके पति मनीष चौरसिया ने वार्डवासियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया तो लगभग हर घर में जलदाय विभाग द्वारा सप्लाई किया गया दूषित, गंदा और बदबूदार पानी ही मिला। इस पर पार्षद पति मनीष ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराकर यथाशीघ्र समाधान की मांग की। हमारी समस्या सिर्फ यही है कि हम साल भर से इस गंदे पानी को आप देख रहे हैं, जैसे कि जो बोतल में है, इससे भी ज़्यादा गंदा पानी हम यूज़ में ले रहे हैं। पानी वैसे आप लोग पौन घंटा देते हैं, उसमें भी अगर हम 7-8 बाल्टी पानी अगर ऐसी वेस्ट कर दें, फेंक दें, तो बताओ हमारे पानी की क्या मात्रा रहेगी। और हम बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल देखने लायक भी पानी नहीं रहता, हम उस पानी के पास में खड़े भी नहीं हो सकते, इतना गंदा पानी, इतनी और सप्लाई इतनी कम करते हैं कि हम क्या करें। हर किसी के पास तो कोई वाटर टैंक या कुछ होता नहीं है, हमें जो आप जिस मात्रा में पानी देते हैं उसी में इकट्ठा करना पड़ता है। और आप खुद देख रहे हैं बॉटल में कितना गंदा पानी है, मतलब इसको हम हाथ में भी लेके रखे हुए हैं कि हमें सिर्फ आप लोगों को दिखाना है कि हमारे यहाँ पर ऐसे पानी की सप्लाई हो रखी है। और आज तो इतना गंदा पानी था कि आप लोग भी अगर देखते हैं ना तो शायद आप वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते उस पानी की जगह पर। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ पर जो भी आप पाइपलाइन जो सप्लाई हो रखी है उसमें मतलब साफ पानी दिया जाए, जैसे घर के जो भी मेंबर हैं, बच्चे हैं, इस पानी को बिल्कुल पीते हैं। हर कोई, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के घर में एक्वागार्ड लगा हुआ हो या कैंट लगा हुआ हो, हम लोग ठीक है बॉयल करके पानी को पीते हैं, लेकिन फिर भी हमारी समस्याओं को प्लीज़ आप लोग सुलझाइए। क्षेत्रीय महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में पौन घंटा पेयजल सप्लाई होता है, वह भी गंदा और बदबूदार, जिसे कई बार छानने के बाद उबाल कर ही काम में लेना पड़ता है। ऐसे दूषित पानी से बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है। अजमेर एक तरफ स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन जब मूलभूत सुविधाओं में शुमार शुद्ध पेयजल ही नहीं मिल रहा तो स्मार्ट सिटी होने का क्या फायदा। स्थानीय नागरिकों ने जल्द से जल्द शासन प्रशासन और जलदाय विभाग से इस समस्या के समाधान की मांग की है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज वार्ड नंबर 68 जो कि बापू नगर प्रभाटो की सुंदरवला आता है, बापू नगर के अंदर कम से कम एक साल से ज़्यादा ही बेकार से वार्डवासी जो पानी सप्लाई हो रहा है जलदाय विभाग के द्वारा, वो इतना दूषित पानी हो रहा है जो आप इस बोतल के माध्यम से देख रहे हैं। कम से कम एक साल से आज सुबह मेरे को फ़ोन के माध्यम से अवगत कराया गया, तो मैं तुरंत वार्ड के निवासियों के साथ आज थोड़ा निरीक्षण करा तो पता पड़ा। एक पाइपलाइन आपके चैनल के माध्यम से मैंने आपको दिखाई भी है, आपके चैनल के माध्यम से आपको दिखाई है, वो ये दुरुस्त कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पानी 3-3 महीने से कंप्लेंट करने के बाद भी जल्दी हो के कान में जू नहीं रहती है, लेकिन आज थोड़ा सतर्क दिखाने के अनीता चौरसिया के द्वारा सतर्क दिखाया है, तो उसके बाद तुरंत प्रभाव से इन्होंने कार्यवाही करी गई है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony Chauraha Police Line Ajmer, or near Kanak Shri Garden Jawahar Nagar Ajmer.